कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कसम खा के आए हैं कि बात नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर आप अपनी कसम तोड़ें तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। हामिद भाई कह रहे थे मैं 1600 किलोमीटर से आया हूँ, तो अगर दूर से आने का पैमाना ही दाद देने का है तो मैं तो 2400 किलोमीटर से आया हूँ, तो फिर तो मेरे हिस्से में थोड़ी सी और दाद आनी चाहिए। पीछे तक आपसे दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। फिरोज भाई को बहुत मुबारकबाद, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बार वो सारे शायरों के लिए चाय मंगवा करके जो एहसान किया है हम शायरों के ऊपर, उसका कर्ज भी अदा करना था। अच्छा मैं पीछे बैठा ये भी सोच रहा था कि बंदा देखने में इतना ठीक ठाक है, चाय पर ही क्यों अटक गया, पूरा खाना मंगवाया होता तो और अच्छी बात थी। लेकिन अब शायरों से चाय जुड़ गई है तो उसका भी हक इन्हें अदा करना था। लेकिन यकीन करें इन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है, काफी दिन बाद उनकी निजामत में पढ़ने का मौका मिल रहा है। फिरोज भाई को मुबारकबाद। माइक थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ सके तो बढ़ा दें, क्योंकि मेरा नहीं बढ़ सकता तो मैं अपना मैक्सिमम सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आप और बढ़ा दें। बहुत खूबसूरत सा ये मुशायरा है, बहुत दिन बाद इतने सधे हुए और इतने कम लोगों में पढ़ने का मौका मिला है, तो आज आप सुन लें तो इंशाल्लाह वो सब सुना दिया जाए जो अक्सर मुशायरों में नहीं सुनाया जाता, तो आप सब थोड़ा मूड बना देंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकेंगे। कई दिन से मैं भी बीमार था, बुखार था मुसलसल, लेकिन शब्बीर साहब ने भी लगाया तो परभनी के हमारे एक दोस्त हैं सज्जू लाला साहब, उनको पीछे लगाया, और वो सियासत के आदमी हैं, खतरनाक टाइप के आदमी हैं, तो उनका हुक्म भी मानना था कि यहाँ तक आना था, तो आपके बीच हाजिर हूँ। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। हमारे पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, बिलाल भाई आप तो सियासत के आदमी हैं, हमारे पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, वहां एक सांसद हैं, बदनसीबी से वो सांसद हो गए, उनका नाम है साक्षी महाराज। उनको मुंह से उल्टी करने की आदत है, हर दिन सुबह शाम कोई ना कोई एक आध उल्टी उनकी निकल आती है जो अखबारों की सुर्खी बनती है। बीच बीच में वो मदरसों में ये निकले, मदरसों में वो निकले। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, आप कहते हो ये निकलता है मदरसों से वो निकलता है, लेकिन मैं बस एक चीज का शुक्र अदा करता हूँ। किस चीज का शुक्र अदा करता हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा। नहीं ऐसा
नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। ओ आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, ओ आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, मदरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। और आपकी दुआ आपकी तालियों के भरोसे ये चार मिसरे भी पहुंचाता हूं ऐसी नफरत वाली ताकतों तक कि ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, ये जो मासूम लोग बैठे हुए हैं ऐसे बुजुर्ग मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में इस दर्द को महसूस करता हूं, उसे लफ्जों में पिरोने की कोशिश करता हूं और दुआएं मांगता हूं, पढ़ता हूं सुनेगा। ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, यासीन भटकल से हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा और बेदारी की जरूरत है, माइक थोड़ा सा और अच्छा कर दें अगर हो सके तो, बहुत बुरी तरह से ये गले को वैसे ही खींच रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल को इन दिनों नरेंद्र मोदी खींच रहे थे, तो थोड़ा सा अगर आप बेहतर कर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मफलर है वो 9 लाख के सूट से हारे नहीं, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा सिर्फ हासिल करती है। मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूँ, यहाँ से अगर दुआएं लेके नहीं गया तो मैं समझूंगा कि मेरा आना कामयाब नहीं रहा। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। इन दिनों एक मुहिम शुरू की गई है फिरोज भाई जी, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, तस्वीरें छपती हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, बड़े चुभ रहे हैं ये चार मिसरे आजकल उस पार्टी को, और अगर लगे कि इमरान ने वो बात कह दी है जिसे बोलना थोड़ा सा मुश्किल है तो दुआएं मिले। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच उसको इस दौर के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस दौर के अखबार नहीं लिख सकते। जो पर्दे के पीछे लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अमित शाह की तरह आप भी दादवाद दे सकते हैं, क्योंकि तो पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों को भी आगे आना है थोड़ी देर में। थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो, जो भाईजान अभी अभी आए हैं मैं उनका खैर मकदम करता हूँ।
आप सही वक्त पे आए, मैं थोड़ा पहले आ गया था। आप सबकी थोड़ी सी और दुआ मिलेगी, उनकी भी दुआएं शामिल हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ और लगे कि बात हुई है तो बात देना मुझे। पढ़ता हूँ, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बदले। पीछे से आप क्या कह रहे हैं, फिर से तो फिर से पढ़ने के लिए फिर जैसी ताली बजनी चाहिए। मतलब आप मुझे अभी भी शिकायत, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप काम सारा करवा लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये हुनर आपको आता है कि आप फ्री में काम करवा लें। विरोध भाई वो पिछले दिनों ये हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका इतने समझदार लोगों का इलाका है कि वो सारे हुनर आते हैं कि फ्री में पूरे मनोरंजन पूरा कर लिया जाए। वो पिछले दिनों एक हैदराबाद का, एक मुंबई का और एक दिल्ली का आदमी सफर कर रहा था, तीन दोस्त एक साथ सफर कर रहे थे। तो मुंबई वाला बोला, मैं तो माया नगरी में रहता हूँ, हम लोग तो बस पैसा खर्च करना जानते हैं, पैसा खर्च करके मोहब्बतें वसूलते हैं। तो ये हुआ कि कैसे खर्च करना जानते हो। उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, लाइटर निकाला, जला करके पीने लगा। बोला, देख रहे हो, मैं 500 का सिगरेट पी जाता हूँ मिनट भर में। दिल्ली वाले का नंबर आया, उससे कहा गया कि तुम क्या करोगे। तो उसने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया और जला करके पीने लगा। अब दोनों देखने लगे हैदराबाद वाले की तरफ। हैदराबाद वाला बड़े पशु केश में, अब क्या किया जाए, 1000 से ज्यादा की तो नोट भी नहीं आती है। बंदे ने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके सिगरेट पीने लगा। ये हुनर हैदराबाद को आता है, किसी और शहर को नहीं आता। तो अगर सुनिए तो फिर उसके बदले में कुछ दीजिए। हम आपसे और तो कुछ मांग नहीं रहे, जो लेना था वो शब्बीर साहब से हम ले चुके हैं, तो उसका कोई डर भी नहीं कि अब कम हो जाएगा। लेकिन आप दाद दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। तो थोड़ी सी और शिरकत हो आपकी तो कुछ अच्छा सुनाया जा सके। एक बहुत बहुत अजीम शख्सियत की सदारत है ये। रजी साहब बैठे हैं, हफीज साहब बैठे हैं, तो बहुत अहम लोग इस डाइस पे बैठे हुए। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा सुना सकूँ आप सबको। यकीन जानिए तबीयत पिछले 4-5 दिन से मुसलसल बुखार है। जो लोग मेरे पेज से जुड़े हैं फेसबुक से वो भी जानते हैं मैं मुसलसल बीमार रहा। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि जब यहाँ से दावत आई और इस सरजमीन का भी नाम था उसमें, तो मैं मना नहीं कर सका, मैं हाजिर हो गया। दवा खा करके आपके बीच में आया हूँ, दुआ खा के जाऊंगा तो शायद मेरा ख्याल है कि फिर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ करके भेजें आप। मैं पढ़ता हूँ, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा,
मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, झाड़ू से न छूटेगा। एक बहुत मासूम सी और बड़े मजे लेने वाली नज़्म आपको सुनाता हूं, कोई शायरी वायरी नहीं है उसमें, बस यह है कि बात हो गई है और बात हो गई हो तो आपकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको लगे कि आपकी तारीफ की जा रही है और आप बात बात देते रहे मुसलसल। मैं नज़्म शुरू करता हूं, पढ़ता हूं सुनिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, आप पहुंच जाए, पहुंच करके बताएं मुझे, पढ़ता हूं। हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। इधर से उधर तक सब की शिरकत है, थोड़ी देर मुशायरा और मुशायरा बना लो, पढ़ता हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, आजकल सोशल मीडिया पे एक 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 जुमला बहुत चल रहा है कि मैं बेरोजगार था, मैं परेशान था, देश में बहुत भ्रष्टाचार था, मैं उससे बहुत तंग था, मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, 9 महीने बाद मेरी समझ में आया कि मैं बेवकूफ भी था। अब मैं तो पढ़ता हूँ, थोड़ी सी शिरकत हो आपकी। हाथों की सफाई छुपाता है, काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक, क्योंकि हैदराबाद से उठी हुई आवाज दिल्ली तक जाती है, एक छोटी आवाज आज भी जानी चाहिए आवाज। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो अच्छा। हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। याद करें आप 10 महीने पहले का मंजर इस देश की संसद का, एक 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 सैनिक शहीद हुआ था हमारा, हेमराज नाम का, सरहद पर उसका सर काट लिया गया था। हमारे विपक्ष ने 10 दिन तक संसद ये कहकर के चलने नहीं दी थी कि जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलेगी। इस पिछले 9 महीने में उतने सैनिक मारे गए हैं जितना पूरे 10 साल में UPA गवर्नमेंट में नहीं मारे गए थे, लेकिन सब चुप है, खामोश है। मैं पढ़ता हूं। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन
खत्म नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। जो कहता था एक सैनिक के बदले में दस ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में दस ले आऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की, 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का। मैं जा थोड़े रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने का मूड में आए, मैं ये भी देख रहा था कि आपको इतनी देर से मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, आप हुए या नहीं हुए। थोड़ा सा भी कोर का सर बची है, जो उधर लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर बैठने का कोई ठीक ठाक सा इंतजाम दिख रहा हो तो आप बैठ जाएं, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो तलाशना क्या कि कहाँ अच्छा कहाँ बुरा, कहीं भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भी वहां से दाद देते रहे तो थोड़ी सी आपकी भी शिरकत होगी तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदत सी रही है कि पता नहीं मुशायरे में खुल के दाद दी जाए या न दी जाए, तो आप दे सकते हैं, देंगे तो अच्छा रहेगा, आदतें बदलेंगी तो ठीक रहेगा। वो पिछले दिनों शब्बीर भाई चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बड़ी दाद वाद दी सारे डाकुओं ने मिलकर के सारे शायरों को, पेमेंट भी जो कहा था उसका दोगुना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है, तो उसका दोगुना पेमेंट दिया। जब दोगुना पेमेंट दिया तो सारे शायर बड़े खुश की आज तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, जो हमेशा लेते रहे वो दे रहे। तो जब सारा पेमेंट वेमेंट दे करके बाइज्जत ला करके चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया गया सारे शायरों को, तो सारे शायर बड़े खुश की भाई आज हम उनको लूट के आ रहे हैं जो जमाने को लूटते रहे। जब 4-5 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के आए, जितना दिया था सारा का सारा लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो फिर मतलब आपने दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, ये हमारी आदत है, ये छूट नहीं सकता। तो आपकी भी आदतें थोड़ी छूटेंगी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आप और खुलें अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुनाया जा सकेगा। एक नज्म पढ़ता हूँ, इन दिनों वो नज्म बड़ी सुनी जा रही है मुशायरों में, बहुत लोग उसे कोट कर रहे हैं। एक नज्म पढ़ता हूँ, घर वापसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पलट आओ। एक नज्म पढ़ता हूँ, मैं ऐसे शहर से आता हूँ और ऐसे सूबे से आता हूँ जहां से ये आवाजें ज्यादा आ रही हैं, और ज्यादा आती हुई आवाजों के बीच रह करके ये नज्म कही है मैंने, और उनके कान तक भी पहुंच रही है, तो आपकी शिरकत होगी, आपकी दुआएं मिलेंगी तो पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगा इस नज्म को। पढ़ता हूं सुने, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, बिलाल में सुनेगा, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान
हमको खोल कर हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है हम मुसलमान है हम मुसलमान है हम मुसलमान है हम मुसलमान है हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है हम मुसलमान है हम मुसलमान है। पहला बंद पड़ता है इस नज़्म का हम तो फारस अरब से भी आए नहीं हम तो फारस अरब से भी आए नहीं तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं इस तरह से सितम हम पे ढाए गए इस तरह से पढ़ रहा हूँ पूरी दिलेरी से पढ़ रहा हूँ पूरी हिम्मत से पढ़ रहा हूँ अकेला चलता हूँ किसी जेड प्लस सिक्योरिटी में नहीं चलता लोग कहते हैं इमरान साहब डरा करिए परेशान हो जाएंगे तब मैं उनसे कहा करता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है सियासत कौन करता है मोहब्बत कौन करता है सियासत कौन करता है मुझे मालूम है मैंने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है मैं पढ़ता हूँ फिर कापरस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। अरे बहुत मासूम सा मिसरा आता है इसमें कि एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। बहुत बहुत कमजोर सी ताली बजाई जो नहीं बजाएंगे मैं समझूंगा क्योंकि दूसरे पार्टी से एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। आप पर भाजपाई होने का ठप्पा न लगे इसके लिए जरूरी है कि आप दांत वात देते रहिए। मैं पढ़ता हूँ एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर लाखों माँ बहनों की दुआ कर जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है। अगला मिसरा लग जाए तो उनके पूरे वजूद का मिसरा है तो एक शख्स का हाथ उठ जाए जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है तन्हा मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ तू ही बता दे क्या मैं हद से बढ़कर बोल रहा हूँ मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पूरी नज़्म का जो निचोड़ है वो आखिरी के ये चार मिसरे हैं और अगर लग जाए कि ये उनके दिल की बात नहीं है ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ आवाम के दिल की बात है क्योंकि हम आप सब इससे दो चार हो रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ वो जो
अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। एक संगठन है जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक उसके मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरा है। उसके गठन के बाद से आज तक, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, आज तक कभी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ऑफिशियल ये बात है, मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं सुनने का। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, सच्चा मिश्रा है ये, नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं ना होगा दंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं ना होगा दंगा। ये गुजर रहा है देश, जब राम का मंदिर बनाने वाले नाथू राम का मंदिर बना रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये ऐसा सच है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। धीरे धीरे डेढ़ घंटे होने को आ गए, मैं आखिर में वो नज़्म पढ़ दे रहा हूँ ताकि 3 बज जाए। शब्बीर साहब का हुक्म है, उसे तो पूरा ही करना है क्योंकि पेमेंट हालांकि नहीं से लेना है। अच्छा, बार बार तभी नदीम बार बार हाशमी साहब का नाम ले और ये बोले कि भाई मुझे किसी और का नाम नहीं पता, तो मुझे लगा कि शायर कितना समझदार है, उसे बस एक चीज पता है कि पेमेंट किससे मिलना है, उसी का नाम लेते रहो, बाकियों का नाम ना भी लिया जाए तो क्या जाता है। हालांकि मैं पहले ले चुका हूँ इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं ना भी लूंगा तब भी, लेकिन आप यकीन करें वो इतने मासूम है और इतने अच्छे इंसान है कि अपने आप उनका नाम लेने का मन करता है। पेमेंट मिल गया तो क्या हुआ, अगली बार भी तो मुशायरा होना है, इसका भी तो हक अदा करना है। बहुत माशाल्लाह अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग हैं आप सारे लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस शिद्दत में आप मुझे 1 बजे दिखाई पड़े थे, जिस जोश के साथ, वो जोश आपका बचा रहे। अच्छा, ऐसे लोग फिरोज भाई यहाँ आए हुए हैं, या तो ये दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के दूसरे की गाड़ी पे बैठ के आए हैं, इस चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं जब तक वो ना जाए हम जाए वैसे। कुछ लोग इस दिक्कत में आए हुए हैं कि घर पे तो बता के आए थे मोहतरमा से कि जा रहा हूँ सुबह लौट के आऊंगा, अब इन्हें लग रहा है कि जा करके सोती हुई शेरनी को जगाए कौन, वहां का अंजाम पता नहीं क्या होगा। तो ये फंस करके बैठे हुए लोग हैं, हमें भी फंसा के बैठे हुए लोग, इतनी भी कोशिशें की जाए ये भागने वाले लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग तो बीवियों से इतने परेशान रहा करते हैं बेचारे, वो तो पिछले दिनों एक साहब थे उनकी बीवी का अपहरण कर लिया एक आदमी ने, और 2 दिन बाद एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी के साथ एक कटी हुई उंगली भेजी और लिखा कि आपकी बीवी का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया मैंने, ये उसकी निशानी के तौर पर उंगली है, 50 लाख रुपए भिजवा दिए जाए वरना डांट 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 डांट। बंदे ने पलट के चिट्ठी लिखी
कि उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो तब समझ में आए कि मेरी भी दीदी थी। तो ये दीदियों से परेशान लोगों का अलग ही मामला है, अल्लाह इनकी परेशानियां दूर करवाए, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, कुछ तो बीवियों से जो परेशान लोग हैं उसमें शब्बीर भाई जैसे समझदार लोग होते हैं। एक साथ जा रहे थे सफर पे, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े शब्बीर भाई जैसे बड़े मासूम से दोस्त को फोन किया, बोले भाई मैं सफर पे जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ और सोच रहा हूँ रास्ते में जो कुआं पड़ेगा उसी में उसको धक्का दे दूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। तो उस बंदे ने कहा कि ऐसी बात है तो मेरी वाली भी लेता जा। तो दोस्त भी कितना समझदार, उसने कहा ठीक है लेकिन मैं धक्का उसको वापसी में दूंगा। बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इसी तरह से सुनते रहे। मैं वो थोड़ी देर आपको हल्का फुल्का कर रहा था, आप तो बड़े मोहब्बतों वाले लोग हैं। मैं वो नज्म पढ़ दूं जो मेरी पहचान की नज्म है या जिस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया का सफर कराया। मैं आपको बताऊं, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का स्टूडेंट हूँ। मदरसों से कोई सिलसिला नहीं, कोई पढ़ाई का सिलसिला नहीं, पूरी तरह से हिंदी का स्टूडेंट रहा। लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी के पढ़े लिखे स्टूडेंट से मदरसों पे एक नज़्म कहलवाई। पिछले 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगंडा खड़ा किया गया, एक मुहिम चलाई गई, मदरसों में टेररिज्म पलता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं, मदरसों में ये होता है वो होता है, ये एक मुहिम चली। हमारी तरफ से आवाजें नहीं आई, अल्लाह ने मुझसे एक नज्म कहलवाई और इस नज्म को इतना लोगों तक पहुंचाया, लोगों के मोबाइल क्लिपों तक पहुंची, लोगों के MP3 में पहुंची। मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूं शब्बीर भाई, तो लोग मुझी को मेरी नज्म सुनवाते हैं और कहते हैं कि अगर मुशायरे का शौक है, शायरी का शौक है तो कभी इसको सुनना, बहुत अच्छा पढ़ता है साला। तो उन लोगों में लगता है कि अल्लाह ने कैसे गुमनाम से शौक दिया, सच में होता है, अमूमन ऐसा हो जाता है। तो उसका करम की उसने एक गुमनाम सी शोहरत दी मुझे। मैं वो नज्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ, मीडिया का इल्जाम, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, और आजकल तो ये आवाजें भी ज्यादा ही आ रही हैं उल्टी करने वाले कुछ सांसदों के मुंह से। मुझे भी कभी कभी हैरत होती है कि कैसे कैसे वाहियात लोग संसद तक पहुंच जाते हैं। मैं एक नज्म शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा। मिला हमेशा, हैदराबाद में पहली बार पढ़ रहा हूँ तो आप सुन के बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मिला हमेशा, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आपके आसपास ऐसी दीवारें आपको मिलेंगी जो आपसे कहती हुई मिलेंगी कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूँ, इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और आप कहते हैं मदरसे टेररिज्म का अड्डा है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी खींच भी होती है और ये लगता है कि कह दिया जाए कि बड़ी जरूरत देश को जब जब कीने दिया है लाल इन्हीने। तमाम अनाप शनाप छापने वाली मीडिया, अगर हिम्मत है तो ये सच छापे। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं जिनकी बुनियाद मदरसों से जुड़ी हुई है। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो
आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, जूते उतार के आ रहे हैं। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है कि वो माला ही पहनाने आ रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया हूँ। बहुत मोहब्बत है शब्बीर भाई को, वरना पेमेंट देने वाले लोग और कुछ नहीं दिया करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने पेमेंट भी दिया और गले मिलकर के दुआ भी दी, तो ये कर्ज है मेरे ऊपर, मैं इसे उतारने की कोशिश करता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। 57 से 47 तक हमारी आंखों में है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। हजरत की भी दुआ चाहूंगा इन मिसरों पे कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। और साक्षी महाराज जी, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। मैं जो सूबे से आता हूं उसके आसपास का जो इलाका है वो इस बात का गवाह है कि 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदुस्तान से हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। आपका भी इलाका इस बात का गवाह है। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, अंग्रेजों ने हमसे छीनी थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। हमारे आसपास कैसे बहुत सारे इलाके हैं जहां अंग्रेजों के हुक्म के बाद उलेमाओं को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि जब तक लोगों में दहशत न फैल जाए तब तक इनकी लाशें मत उतारना, चाहे जितने दिन लग जाएं। ऐसे भी मंजर हमारी आंखों के सामने हैं। मैं ये बंद में पढ़ता हूं, मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ कहा सब एक तराजू पर, ये दो मिसरे एक तराजू पर, क्योंकि ये मिसरे मेरी माँ को बहुत पसंद है, मैं आपकी अदालत में रख रहा हूं। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा अगर आपके ईमान को पुकारे तो एक हाथ उठ जाए, अब तक की सबसे बड़ी ताली और सबसे बड़ी दुआ मिले मुझे। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाया। आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो
आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें, ये मीडिया आखिर हमसे क्या चाहती है, कितना इम्तहान हम और दें। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान होंगे, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन होंगे, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, अजहरुद्दीन, इरफान पठान, मोहम्मद समी और जहीर खान हो गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया हो गईं, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को एक अकेला आस्कर देने वाले रहमान हो गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हैं। लेकिन इट्स अ ब्लैक, जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारी नस्लों को सिर्फ काले रंग से क्यों पहचानते हैं, हमारी नस्लों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए, हमारी नस्लों के 12 ऐसे रंग हैं, अगर आप उससे पहचानेंगे तो हम इस हुकूमत और इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं शायद आपकी समझ में आ सके और देश आगे बढ़ सके। मैं बस प्रशासन से यही कह रहा हूं। और आखिरी का बंद पढ़ता हूं, वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बताता हूं क्या मिलता है, इस सभी का सबसे बड़ा सच बोलता हूं। और अगर लग जाए कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा देना। मैं पढ़ता हूं क्या मिलता है वहां पर। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। बहुत खास जगह खड़े होकर के ये बात बोल रहा हूं। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जब इस तरह की नजर पढ़नी शुरू की हजरत मैंने मुशायरों में, तो मुझे कहा गया इमरान साहब ये मुशायरों का रंग नहीं है, आप मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, आपको अदब में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। तब मैं बड़े सलीके से लोगों से ये कहता रहा कि मुझे मालूम है कि मुझे मरने के बाद अदब में कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात ये पता है कि मुझे जीते जी इंकलाब पैदा करना है, मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ। मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है, मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है, मुझे गालिब नहीं बनना, मुझे इकबाल बनना है, मुझे गालिब नहीं बनना, मुझे इकबाल बनना है। कराया जाता रहा, समझाया जाता रहा इमरान साहब मुशायरों में, ये मत पढ़ा करो, वो मत पढ़ा करो, ऐसे मत बोला करो, वैसे मत बोला करो। तब मैं उनसे कहता रहा कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कह के विदा करना हैदराबाद वालों। आमीन। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। सलाम अलैकुम। हमारी इजाजत जेरे सदारत सज्जदा मुर्शिद साहब, हकीम उमर बिन अहमद अलमारो, फैज अली शाह इरफानी, बंदा नवाजी साहब, आप सभी हजरात का बिलखलूस शोराए कराम का, नाज़िम मुशायरा जनाब फिरोज़ रशीद साहब का, और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पुलिस का, बिलखलूस पुलिस का, आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं और इस मुशायरे का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल फिर मिलेंगे। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। Thank you.
इससे आने वाली।